वेलकम टू हैदराबाद सर। अखबार में मेरा फोटो कितना मस्त है ना सर। मैंने आपकी फाइल देखी है सर, 6 ट्रांसफर्स, 4 प्रमोशंस और 37 एनकाउंटर। आपके अंडर में काम करने के लिए मेरी टोपी पर लगे 3 शेरों पर गर्व नहीं है मुझे, बल्कि आपके साथ 24 घंटे गर्व के साथ घूमना है। सिटी में ट्रैफिक कुछ ज्यादा है सर। तब तो क्रिमिनल्स भी ज्यादा होंगे। समझ गया सर, अपने शहर का क्रिमिनल हेड पप्पू है। पप्पू से हम मरने के लिए ही काम करते हैं। तुम मुझे कीमत दोगे या मरोगे? दे दो, मैं लाके दे दूं। ले भैया। सुनो, मुझे जो भी चीज अच्छी लगती है वो मेरी हो जाती है। अब ये फैक्ट्री मेरी है, समझ गए? बायोडाटा तो अच्छा है, मगर इसका बॉस तो बैकग्राउंड में छुपा है। ये तो सिर्फ इस शहर में अपना राज चलाता है। नेशनल लेवल पे जिसका सपोर्ट है वो है दादा। ये है मदन, दादा का होल एंड सोल। ये है बब्बर, दादा का राइट हैंड। ये दादा का छोटा भाई, अगर दादा गन निकालता है तो ये उसमें बुलेट डालता है। और ये है दादा, पूरा का पूरा वन मैन शो। जो भी इसके खिलाफ जाता है ये उसे मौत के घाट उतारता है। अब मैं आपके बारे में सब कुछ समझ गया सर। आप इस पप्पू से एनकाउंटर शुरू करके उस दादा को फिनिश करोगे, am I right सर? कूल कूल, इस स्टार को देखकर इतना ज्यादा उछलो मत। सिंसियरली ड्यूटी करोगे तो अपनी जान गंवानी पड़ेगी, और अगर सिंसियर होने का ढोंग करोगे तो प्रमोशंस मिलेंगे। सर, हम उन क्रिमिनल्स को मारेंगे या नहीं? उनकी मौत तो पक्की है, अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी हो। इस पप्पू का खाता बंद करने के लिए बुलेट की नहीं मिसाइल की जरूरत है, और वो मिसाइल कहीं ना कहीं तो जरूर होगा। ये 5th फ्लोर और 6th फ्लोर की कनेक्टिविटी कैसे? गुड मॉर्निंग राव भाई, क्या हाल चाल है? गौतम कंस्ट्रक्शंस एंड बिल्डर्स, बहुत अच्छा। इस फील्ड में तुम्हारी फैमिली का बहुत बड़ा नाम है। आप कौन हैं? भरत कंस्ट्रक्शन, भरत राजपूत। पिछले महीने आप ही की बनाई हुई ब्रिज टूटी थी ना? न्यूज में आया 2 करोड़, मुझे फायदा हुआ 22 करोड़ का। आप यहाँ क्यों हैं? कोई खास बात नहीं है, सीमेंट का दाम बहुत बढ़ गया है ना, तो मैंने सीमेंट की जगह पर मिट्टी मिला दी, और मेरी बदनामी की वजह से एक भी फ्लैट नहीं बिका। मैं समझा नहीं। अगर इस पर साइन करोगे तो मेरे कंस्ट्रक्शन के साथ गौतम का बोर्ड लगा दूंगा और फ्लैट आसानी से बिक जाएगा, बस इतना ही चाहता हूँ। बड़ी आसानी से साइन कर दिए, मुझे लग रहा था कि बंदूक दिखाकर साइन करवाना पड़ेगा, इसने बड़ी आसानी से साइन कर दिया यार। आप में यही तो खासियत है। सुनो, साइन तो आसानी से हो गया, लेकिन पेपर बाहर लेकर जाना आसान नहीं है। अच्छा, तो तुम मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाने दोगे? पेपर गेट के बाहर लेकर चले जाओ तो तुम्हारा हो गया। गेट या स्टेट? गेट पार कर लोगे तो स्टेट भी पार कर लोगे, समझ लो। दोबारा कह रहा हूँ, गेट। गेट खोल रहे, तुझे बोल रहा हूँ रे, गेट खोल। अरे उड़ा दे इसे।
क्यों शर्मा रहे हैं? शर्म तो हमें आनी चाहिए। तू इसकी माँ का साकी ना कर। क्या पागलपन है। बस प्रैक्टिस खत्म। यजमान, दुनिया में शादी की प्रैक्टिस करने वाले पहले इंसान आप हैं। पंडित, मार डालूंगा, तुम्हारे बॉडी का एक भी पार्ट नहीं मिलेगा। शादी का मतलब है दुल्हन का हाथ धीरे से पकड़ना, गले में मंगलसूत्र पहनाना, उसकी मांग में सिंदूर भरना। इट्स अ फीलिंग। भाई, वो सीढ़ी भी मंगा ले क्या, जिससे आपकी स्वागत की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अरे यार, वो लड़की दूसरे से प्यार करती है, जानते हुए भी भाई उससे शादी करना चाहते हैं। मुझे शक है ये शादी होगी या नहीं। मांगल्य देवताये नमः, प्रार्थना पूर्वक नमस्कारम समर्पयामि। सुनिए, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, कन्या को लेकर आइए। देखो, दुल्हन बिल्कुल महालक्ष्मी जैसी लग रही है। अरे, ये क्या? ये कौन है भाई? वो मेरी दुल्हन भगाकर नहीं ले गया, इज्जत की वाट लगा दी। पकड़ो उसे। यहाँ साइन कर दीजिए प्लीज। ऑल द बेस्ट यार। थैंक यू। बंदूक नीचे। सीता की शादी राम के साथ हुई थी, ये पूरी दुनिया जानती है, और मैं यहाँ का रावण हूँ। इस आदमी को पहचान लो, मुझे इसे मारना है, उसके बाद ही मेरे दिल को ठंडक पहुंचेगी। और जब तक मैं जिंदा हूँ, ये बदनामी मुझे दिन रात सताती रहेगी। तुमसे बदला लेने के लिए मैं तुम्हारी फैमिली को बहुत टॉर्चर करूंगा, ये मेरा तुमसे वादा रहा। तुमने मेरी बेइज्जती की है और तुम्हें इसकी सजा जरूर भुगतनी पड़ेगी। तुम मरते दम तक मुझे याद रखोगे। क्या चैलेंज किया तुमने मुझे पप्पू। गलती से भी अगर तुमने मुझे छुआ ना, तो कोमा में चले जाओगे, और अगर तूने मेरी फैमिली को टच किया ना, तो तुझे अर्थी पर लेटाऊंगा। पर अगर तूने मेरे दिल को टच कर दिया ना, तो बात बनेगी, जिंदगी भर याद रखूंगा तुझे। लेकिन मुझे एक छोटा सा डाउट है, जो लड़की किसी और से प्यार करती है, तुम उससे शादी करना चाहते हो, और जिस लड़की से तू प्यार करता है, उससे अगर मैंने शादी कर ली, तो तू क्या कर लेगा उल्लू के पट्ठे? अपने मुंह का वॉल्यूम मत बढ़ा, वरना स्पीकर फोड़ डालूंगा। देख लूंगा तुझे। तू सिर्फ देख सकता है, मुझे रोक नहीं सकता। याद रख ले, अपनी मेमोरी में सेव कर ले। मेरी मेमोरी में जगह नहीं है, तू ही अपनी मेमोरी में सेव कर लेना, उसमें वायरस कब डाल दूंगा पता ही नहीं चलेगा। चल निकाल। वाह, रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने ही पहली बार वन ऑफ द बेस्ट चैलेंज है। तू जिंदगी में जिस लड़की से प्यार करेगा, तेरी उस लड़की से ये शादी करेगा, और ये तेरी वो हालत करेगा कि जिंदगी भर याद रखेगा तू। ये तो एक फूल दो माली वाली बात हो गई। वाह, मैं तो तेरा बहुत बड़ा फैन हो गया। मेरी भी लाइफ पूरी तेरे जैसी ही है, ऐसा आदमी कभी टकराया नहीं और तेरे जैसा आइडिया आया नहीं। कमाल के हो भाई तू। भगवान, फैसले के लिए इंतजार कर रहा हूँ मैं।